हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन इनटू एन एरे, मींस हाउ टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन अ लीनियर एरे। लाइक दिस इज एन एरे टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी। Let the name of the array is A. This is element number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So here the size of this array is 8. And the number of elements present in this array is 6. N is equal to 6. Now we want to insert एन एलिमेंट इंटू दिस एरे। तो जो हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, लॉग कि हमें किस लोकेशन पर वो एलिमेंट इंसर्ट करना है और कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना है, वो एलिमेंट का नेम पता होना चाहिए, दैट इज आइटम। लेट अस सपोज हमें यहां पर फोर्थ लोकेशन पर एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो लॉग इज इक्वल टू फोर एंड आइटम लेट हमें इंसर्ट करना है 70। तो इस एरे में हमें लोकेशन नंबर 4 पर 70 इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एन इज इक्वल टू 6, इस एलिमेंट को यहां शिफ्ट कर देंगे, तो 60 को हम शिफ्ट कर देंगे 7th लोकेशन पर। फिर हम 50 को शिफ्ट कर देंगे 6th लोकेशन पर। देन 40 को हम शिफ्ट कर देंगे 5th लोकेशन पर। अब ये लोकेशन हमारे पास फ्री हो गई जहां पर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है। अब यहां पर हम इंसर्ट कर देंगे 70। तो हमें क्या करना है, हमें जिस लोकेशन पर एलिमेंट इंसर्ट करना है वहां से लेकर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहां पर हैं एरे में, उन सबको एक एक पोजिशन आगे शिफ्ट करना है। फिर जब वो पोजीशन एम्प्टी हो जाएगी जहां हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है, वहां पर हम गिवन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन को इंसर्ट कर देंगे। सो दिस इज द प्रोसीजर। तो इसे एल्गोरिथम की हेल्प से देखते हैं हम कैसे करेंगे। हम सो इंसर्ट इज द नेम ऑफ द एल्गोरिथम। ए हियर इज द नेम ऑफ द एरे। N is the total number of elements. Now here N is equal to 7. Total number of elements in an array. K is the location where we want to insert an item. Let हमें insert करना है third location पर, तो K is equal to 3. And item is the value which we want to insert. Let हमें insert करना है 35. तो A क्या है, A array का name है। n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एन एरे। k क्या है, जिस लोकेशन पर हमें एलिमेंट को इंसर्ट करना है। एंड आइटम क्या है, वो वैल्यू जो हमें इस एरे में इंसर्ट करनी है। तो स्टेप नंबर 1, हमने एक वेरिएबल लिया j और हमने उसमें डाल दिया n। तो हेयर j इज इक्वल टू n, दैट इज 7। तो j में हमारे पास आ जाएगा 7। स्टेप नंबर 2, रिपीट स्टेप 3 एंड 4। इन दोनों स्टेप्स को रिपीट करें जब तक जो j है, दैट मीन जो 7 है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। जब तक j k से ग्रेटर है, दैट इज 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो 7 3 से ग्रेटर है, यस। तो क्या करें, a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ j की वैल्यू क्या है 7, a ऑफ j प्लस 1 में आ जाए a ऑफ j, a ऑफ 7, मींस a ऑफ 8 में आ जाए a ऑफ 7, a ऑफ 8 में आ जाए a ऑफ 7, दैट मीन्स a ऑफ 7 इज 60। तो a ऑफ 8 में आ जाए 60, ये जो 60 है वो यहां चला जाए नेक्स्ट लोकेशन पर। देन j इज इक्वल टू j माइनस 1, j की वैल्यू अब क्या हो गई 6। फिर से लूप में जाएंगे, क्या j, क्या 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 k है, यस।
तो फिर से क्या करे, a ऑफ 6 प्लस 1 पर डाल दे a ऑफ 6, a ऑफ j प्लस 1 पर डाल दे a ऑफ j, तो a ऑफ 7 पर आ जाए a ऑफ 6, a ऑफ 6 में हमारे पास क्या है 50, तो a ऑफ 7 पर आ जाएगा 50, तो यहां से 50 कहां शिफ्ट हो गया, यहां। फिर ऊपर गए j इज इक्वल टू j माइनस 1 करके 5 हो गया। नाउ अगेन क्या j k से बड़ा है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यस, तो क्या हो जाए a ऑफ j प्लस 1, a ऑफ 5 प्लस 1 पर आ जाए a ऑफ j, a ऑफ 5, तो a ऑफ 6 पर आ जाए a ऑफ 5, दैट इज 40, तो a ऑफ 6 पर आ जाएगा 40। j इज इक्वल टू j माइनस 1, j की वैल्यू हो गई 4, क्या 4 3 से ग्रेटर और इक्वल है, 4 इज ग्रेटर देन 3, यस, तो फिर से a ऑफ j प्लस 1 a ऑफ 4 प्लस 1 पर आ जाए a ऑफ 4 a ऑफ j, तो a ऑफ 5 पर आ जाएगा a ऑफ 4, a ऑफ 4 इज 70, तो a ऑफ 5 पर आ जाए 70। नाउ j इज इक्वल टू j माइनस 1, j की वैल्यू हो गई 3, फिर ऊपर लूप में जाएंगे, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, नाउ 3 इज इक्वल टू 3, ट्रू, फिर लूप में गए, a ऑफ 3 प्लस 1 पर आ जाए a ऑफ 3, दैट मींस a ऑफ 4 पर आ जाए a ऑफ 3, दैट इज 30, तो यहां आ जाएगा 30। तो अब जिस पोजीशन पर हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है वो पोजीशन एम्प्टी हो गई। ऊपर जाएंगे, j इज इक्वल टू j माइनस 1, 2, क्या j k से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉल्स, तो लूप से बाहर आ जाएंगे, एंड ऑफ लूप। स्टेप नंबर 5, a ऑफ k, a ऑफ k, k की वैल्यू क्या है 3, तो a ऑफ k यानी a ऑफ 3 पे क्या आ जाए आइटम जो हमें इंसर्ट करना था 35, तो a ऑफ 3 पर आ जाए 35, a ऑफ k इज इक्वल टू आइटम। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पहले 7 थे, अब कितने हो गए 8, तो n इज इक्वल टू n प्लस 1 और n की वैल्यू क्या हो जाए 8। तो इन केस ऑफ इंसर्शन हमें क्या करना है, जिस पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट करना है और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना है, और फिर जब वो पोजीशन एम्प्टी हो जाएगी जहां हमें इंसर्ट करना है वहां पर हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे और नंबर ऑफ एलिमेंट को इंक्रीज कर देंगे बाय 1। थैंक यू।